हेलो एवरीवन, टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 4। ओके, ये आपकी सीबीएसई क्लास 3 की बुक का कंप्यूटर है। ठीक है, ये आपकी क्लास 3 से ये कंप्यूटर का 4th यूनिट है। और ये जो आपका सिलेबस है, ये मैंने कंप्यूटर की सीरीज जो स्टार्ट की है, ये कीवी द्वारा आपकी डिजाइन की गई है 1st to 10th तक। ठीक है, तो ये 1st to 10th की सीरीज का ये 3rd क्लास का 4th यूनिट है। ठीक है, इससे पहले के 3 यूनिट अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ओके, नेम ऑफ दिस अबाउट डेस्कटॉप, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डेस्कटॉप के बारे में पढ़ेंगे। डेस्कटॉप आपको पता है ना, आप कंप्यूटर चलाते होंगे स्कूल में। ठीक है, जो रखे रहते हैं डेस्क के ऊपर, उन्हें बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर पेरिफेरल, और कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे और कंप्यूटर की पेरिफेरल। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है, जो कंप्यूटर से अटैच्ड होती हैं, जो जरूरी होती हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली देखते हैं कि हम क्या क्या चीजें इस चैप्टर में आपकी कवर करेंगे, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले डेस्कटॉप के बारे में। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में। डेस्कटॉप कंप्यूटर का मतलब होता है जो कंप्यूटर आपका डेस्क पे रखा हुआ है। ठीक है, और पर्पज ऑफ डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप कंप्यूटर का उद्देश्य क्या होता है, इसका पर्पज क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर आइडेंटिफाई द आइकॉन ऑन डेस्कटॉप, आपने देखा होगा ना आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर पे छोटी छोटी सी बहुत सारी आइकॉन्स होते हैं। ठीक है, येल्लो कलर के, तो उन आइकॉन के बारे में हम जानेंगे। स्टार्ट बटन एंड टास्क बार, और हम जानेंगे कि स्टार्ट बटन क्या होती है और टास्क बार क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट बटन और टास्क बार के बारे में जानेंगे। फिर माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर क्या होता है, आपको पता है आपके कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे एक बटन होती है, एक छोटा सा आइकॉन होता है जिसे माई कंप्यूटर जिसमें लिखा होता है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। फिर रिसाइकल बिन के बारे में जानेंगे। रिसाइकल बिन क्या होता है, जो उसमें जब हम कोई चीज डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ चली जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। ठीक है, कंप्यूटर से डिलीट होके। फिर हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं। ठीक है, फिर इस चैप्टर में हम 8th में मेमोरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी डिवाइसेस वो होती हैं जिनमें हम अपना डाटा स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, देन CPU, फिर हम CPU के बारे में पढ़ेंगे। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, फिर हम CPU के बारे में जानेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली डेस्कटॉप, सबसे पहले हम डेस्कटॉप के बारे में पढ़ते हैं कि डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप इज द प्राइमरी यूजर इंटरफेस ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, जो हमारा जो डेस्कटॉप है, ये सबसे प्राइमरी हमारा यूजर इंटरफेस होता है। यूजर इंटरफेस मतलब जिससे हम इंटरैक्ट करते हैं। यूजर कौन होता है, जो काम करने वाला, जैसे कि हम आप कंप्यूटर चलाते हैं ना, तो आप कंप्यूटर के लिए क्या हो गए, आप कंप्यूटर के लिए यूजर हो गए। इंटरैक्ट मतलब आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और कंप्यूटर के साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर के में कुछ कर रहे हैं, कंप्यूटर आपको वो डिस्प्ले करके दिखा रहा है। ठीक है, तो सबसे जो प्राइमरी, सबसे जो पहला जो यूज होता है, जिसके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, वो हमारा कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, वो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, मॉनिटर होता है, उसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। व्हेन वी बूट अप अ कंप्यूटर, जब हम एक कंप्यूटर को बूट अप करते हैं, जब हम कंप्यूटर चलाते हैं, तो वो बूट अप होता है सबसे पहले। ठीक है, बूट अप करते हैं। द डेस्कटॉप इज डिस्प्लेड वंस द स्टार्टअप प्रोसेस इन इज कम्प्लीट। ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो बूटअप होता है, और कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है, जो स्क्रीन हमें डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले मतलब दिखाई देती है। ठीक है, स्टार्टअप प्रोसेस इज कम्प्लीट, सबसे पहले स्टार्टअप प्रोसेस कम्प्लीट होता है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। फिर डेस्कटॉप इज एन एरिया, डेस्कटॉप वो एरिया है, वो जगह है, एरिया मतलब जगह, डेस्कटॉप वो एरिया है, वो जगह है, या फिर विंडो है। ठीक है, ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन की, इन विच स्मॉल आइकॉन्स, स्मॉल छोटे छोटे जहाँ पिक्चर होते हैं, जिन पिक्चर्स को क्या बोलते हैं, आइकॉन्स बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा डेस्कटॉप होता है, स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे छोटे छोटे पिक्चर बने होते हैं, उन पिक्चर्स को हम आइकॉन बोलते हैं। ठीक है,
are arranged like object on top of the desk. Desk के top पर जो छोटे छोटे icon होते हैं वो object में जो होते हैं वो arrange होते हैं, proper way में लगे हुए होते हैं, ठीक है. Now it include the desktop background. इसमें desktop का background include होता है, जैसे वॉलपेपर, ठीक है. आप जो कंप्यूटर चलाते हो तो आपने देखा होगा ना, कोई कोई पिक्चर लगी होती है, कोई पिक्चर आ रही होती है या कलर्ड पिक्चर, वो क्या होता है, वॉलपेपर होता है, ठीक है. पिक्चर, और जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हो, जब कंप्यूटर आप थोड़ी देर नहीं चलता है ना, आप कुछ उसमें नहीं करते हो, तो कंप्यूटर में ऑलरेडी पिक्चर्स चेंज होने लगती है, ठीक है, या कोई चीज लिखी आने लगती है, तो इनको क्या बोलते हैं, ये वॉलपेपर होता है, ठीक है. आइकॉन ऑफ फाइल, फाइल्स के आइकॉन, ठीक है, जो आप फाइल बनाते हैं उनके आइकॉन्स. और फोल्डर भी में हैव सेव्ड ऑन डेस्कटॉप, ठीक है, जो चीजें हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं उनके आइकॉन और फाइल्स की पिक्चर्स हमें दिखाई देती हैं इस पे डेस्कटॉप पे, अगर हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है. इन विंडो द डेस्कटॉप इंक्लूड आ टास्क बार, और डेस्कटॉप में होता है टास्क बार इंक्लूड होता है इसमें, ठीक है. विच इज लोकेटेड, ये कहाँ लोकेटेड होता है टास्क बार, एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन बाय डिफॉल्ट, ठीक है. टास्क बार सबसे बाय डिफॉल्ट कहाँ पर होता है, स्क्रीन के बॉटम में होता है, ठीक है. द डेस्कटॉप इंक्लूड टास्क बार, डेस्कटॉप में टास्क बार होता है, और टास्क बार बाय डिफॉल्ट कहाँ पर होता है, बॉटम में होता है, स्क्रीन के बॉटम में लोकेटेड होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है. अपने आप अगर आप इसे कहीं और भी ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पर होता है, नीचे होता है, ठीक है, बॉटम मतलब नीचे. देयरफॉर इट मे बी हेल्पफुल, ये हेल्पफुल होता है किस लिए, टू स्टोर कॉमनली यूज्ड फाइल, जो फाइल्स का आप यूज कर रहे हैं उन्हें ये स्टोर कर लेता है. फोल्डर और फोल्डर्स को, एप्लीकेशंस को, ठीक है, शॉर्टकट ऑन योर डेस्कटॉप, आपके डेस्कटॉप पे स्टोर हो जाती है. जैसे ये आपको दिख रहा है ना आइकॉन, ये सारी जो दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे पिक्चर, ये क्या है, आइकॉन्स हैं, ठीक है. और ये क्या है, देखो यूट्यूब का शॉर्टकट है, ये आप इस तरह शॉर्टकट भी बना सकते हो, ये क्या है, शॉर्टकट है, ठीक है. और टास्क, ये आपका स्टार्ट बटन, ये देखो ये आपका स्टार्ट बटन है, आप ध्यान से अपने कंप्यूटर में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, ये स्टार्ट बटन है, ठीक है, ये स्टार्ट बटन है. और ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये टास्क बार है, ठीक है, ये जो पूरा ऐसे ये टास्क बार इसको बोलते हैं, ये टास्क बार है. और टास्क बार में ये आपका क्या है, ये स्टार्ट बटन है, ये जो जो फाइल ओपन है ना, देखिए वर्ड की कोई फाइल ओपन है दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो जो फाइल्स ओपन है, ये पीडीएफ फाइल ओपन है दिखाई दे रही है, कोई फोल्डर खुले हुए हैं येलो कलर दिख रहे हैं, और ये आपका क्रोम खुला हुआ है दिखाई दे रहा है, ठीक है. जो जो चीजें आपने ओपन कर रखी है वो यहाँ पर मिनिमाइज होकर नीचे दिखाई दे रही है टास्क बार में, ठीक है. तो ये क्या हो गया, ये वाला एरिया पूरा आपका टास्क बार हो गया, ये आपकी स्टार्ट बटन हो गई. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है. तो आपको समझ में आई ये चीजें, छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फोल्डर्स हैं, ये लोकल लगे फोल्डर्स हैं, ये फाइल्स हैं, ठीक है, ये फाइल दिखाई दे रही है, ये सब क्या है, आपके आइकॉन है. टास्क बार याद रखना, ये बॉटम में होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, आप इसे चेंज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है. डिस्प्ले प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, टू चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड. डिस्प्ले प्रॉपर्टी में आप क्या कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है. मतलब डेस्कटॉप में आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है, अपने मन की कोई भी पिक्चर आप डेस्कटॉप में लगा सकते हैं. डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, ठीक है. पर्सनलाइजेशन आप चेंज कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि जब डेस्कटॉप पे कोई भी काम ना हो तो थोड़ी देर में, एक मिनट में या कुछ सेकंड में कोई पिक्चर्स मूव होने लगे, पिक्चर्स चलने लगे, तो आप कोई भी पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं, ऐसे वॉलपेपर लगा सकते हैं जो अपने आप मूव होंगे, ठीक है. नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक ऑन एन एम्प्टी स्पेस, ठीक है, खाली स्पेस पे आप राइट क्लिक करिए. कैसे आप करेंगे, राइट क्लिक करिए कहाँ पे, खाली स्पेस पर, एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है, ऑन डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप पे, एंड क्लिक ऑन पर्सनलाइज, और आप क्लिक करिए पर्सनलाइज पर, सी स्क्रीनशॉट बिलो. यहाँ पे आपको देखो दिखाया गया है कि आप राइट क्लिक, जब आप राइट क्लिक करते हो ना तो ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाती है, ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर. जब आप डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आप करते हो राइट क्लिक, तो इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है. फिर यहाँ आप नीचे जाइए पर्सनलाइज में, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो क्या होगा, क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड, फिर आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करिए,
लिंक एट द बॉटम, जो नीचे लिंक दी गई है ठीक है, ऑफ द विंडो आपको नीचे दिखाया गया है। नोट में आपको क्या बताया गया है, द नेम इन ग्रे एंड ग्रे अंडर डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज करंटली डेस्कटॉप बैकग्राउंड फाइल नेम, आप नेम भी इसमें चेंज कर सकते हैं ठीक है। फिर आपको ये देखो दिखाया गया ना, जब आप क्लिक करोगे पर्सनलाइज में तो इस तरह से आपकी एक सामने एक विंडो खुल जाएगी ठीक है। ये क्या है, ये पिक्चर आपको दिख रही है जो आपका डेस्कटॉप जो बैकग्राउंड है डेस्कटॉप का उसमें जो पिक्चर लगी हो ये है ठीक है। फिर यहाँ से आप पर्सनलाइज में चेंज कर सकते हो, अगर ये पिक्चर लगा दोगे तो ये बहुत सारी पिक्चर है अपने आप चेंज होंगी, आप इसको लगा सकते हो, इसको लगा सकते हो, इसको इसको ठीक है, जो भी पिक्चर आप चाहते हैं उनको आप लगा दीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली आप जब आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, जब आप उस पर कोई वर्क नहीं कर रहे होंगे और कंप्यूटर आपका ओपन होगा तो अपने आप ये पिक्चर चेंज होती होती रहेंगी ठीक है। ये पिक्चर अपने आप चेंज होंगी, फिर इतनी सारी पिक्चर है ना ये अपने आप चेंज करेगा अपने आप ही ठीक है। तो आप इस तरह से कुछ भी लगा सकते हैं। नाउ सिलेक्ट अ पिक्चर, आपको बताया गया आप कैसे लगाएंगे, आप एक पिक्चर को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट अ पिक्चर लोकेशन, फर्स्ट में क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो, आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कर सकते हैं ठीक है। ड्रॉप डाउन एरो मेनू पे क्लिक करिए टू सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट ऑफ अवेलेबल पिक्चर्स फोल्डर लोकेशन, क्लिक ऑन द ब्राउजर बटन टू नेविगेट टू द पिक्चर फोल्डर लोकेशन ठीक है, जहाँ पे आपकी पिक्चर्स है वहां से भी आप चेंज कर सकते हैं, आप दूसरी पिक्चर भी लगा सकते हैं जो आपने सेव कर रखी है। इसका कहने का मतलब है कि आपकी जो सेव पिक्चर है आप उन्हें भी लगा सकते हो, आप अपनी पिक्चर लगा सकते हो ठीक है। आपको नोट में क्या बता रखा है यहाँ पे, टू यूज अनदर रीजनल वॉल पेपर, आप दूसरा रीजनल वॉल पेपर यूज कर सकते हैं, सी द येलो ठीक है, जो कि येलो कलर का होगा, टिप बॉक्स एट द टॉप ऑफ द ट्यूटोरियल, ऊपर आपको एक और ट्यूटोरियल में दिया गया था कोई बॉक्स येलो कलर का, उसे आप यूज कर सकते हैं टू रिमूव फोल्डर, आप फोल्डर को रिमूव करने के लिए हटाने के लिए ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, बी में सिलेक्ट द पिक्चर फोल्डर एंड क्लिक सिलेक्ट फोल्डर, आप पिक्चर को अपनी मर्जी की पिक्चर आप सिलेक्ट कर लीजिए और उस पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट सिलेक्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को सिलेक्ट आप कैसे करेंगे, फर्स्ट में राइट क्लिक ऑन द अवेलेबल पिक्चर, जो पिक्चर आपके पास अवेलेबल है उसमें आप राइट क्लिक करोगे एंड क्लिक चेक ऑन द बॉक्स इन अपर लेफ्ट, ऊपर ऊपर आप बॉक्स को चेक करिए, आपको लेफ्ट कॉर्नर पे आप एक बॉक्स दिखाई देगा ऑफ द पिक्चर का, टू सिलेक्ट इट इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, सिलेक्ट पिक्चर पोजीशन, आप पोजीशन को सिलेक्ट करिए, आप पिक्चर पर किस तरह से लगाना चाहते हैं, आप पूरे में चाहते हैं पिक्चर, या आप सिर्फ बीच में चाहते हैं, या आप अपनी पूरी स्क्रीन पे चाहते हैं, या कहीं साइड में चाहते हैं, तो आप उसकी पोजीशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं पिक्चर की ठीक है। क्या करेंगे आप, क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो मेन्यू में जाकर ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन पिक्चर पोजीशन, और फिर पिक्चर पोजीशन पे क्लिक करेंगे यू वांट टू डेस्कटॉप बैकग्राउंड, जो भी आप डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे चाहते हैं ठीक है। ये विंडो 7 की उसमें बताया गया है, जबकि आप इसके जो बाद वाली विंडोज है ना इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं ठीक है। तो ये विंडो 7 के लिए बताया गया है ऑप्शन, अगर आपके पास विंडो 7 है तो। देन फॉर द डेस्कटॉप स्लाइड शो, ठीक है, डेस्कटॉप में आप स्लाइड शो कैसे कर सकते हैं इनको आप देख लीजिए। सिलेक्ट मोर देन वन पिक्चर, आप एक से ज्यादा पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं जो स्लाइडिंग होती रहेगी आपके डेस्कटॉप में ठीक है, चलती रहेंगी। टू क्रिएट द डेस्कटॉप स्लाइड शो, आप डेस्कटॉप स्लाइड शो को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखो बताया गया ना, ये पिक्चर्स हैं और यहाँ पे आप सिलेक्ट करके इनके साइज को चूज कर सकते हैं, 3D में दिखाना है आपको कैसे दिखाना है, तो क्लिक सेव चेंज, सेव चेंज पे आप क्लिक कर लीजिए और उसके बाद में टू अप्लाई चेंज, अप्लाई चेंज पे क्लिक कर दीजिए। ये देखो आप यहाँ अप्लाई चेंज दिया हुआ है ना, इस पे आप क्लिक कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगा, इस तरह से आप कर सकते हैं ठीक है। अब आइडेंटिफाई आइकॉन ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जो आइकॉन दिए हुए हैं इनके बारे में हम देखते हैं क्या क्या आइकॉन कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, आइडेंटिफाई आइकॉन ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे क्या क्या आइकॉन होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज एन आइकॉन इज अ स्मॉल ग्राफिक
रिप्रेजेंटेशन, आपको क्या ध्यान रखना है कि आइकॉन क्या होता है, आइकॉन एक स्मॉल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ अ प्रोग्राम और फाइल का, ठीक है, किसी प्रोग्राम का हो सकता है या फाइल हो सकती है वो। ग्राफिक का मतलब जो पिक्चर फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है, तो आइकॉन क्या हो सकता है, आइकॉन इज अ स्मॉल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम और फाइल दैट व्हेन क्लिक ऑन, जब भी हम इस पे क्लिक करते हैं विल बी रन, तो ये रन हो जाता है, चलने लगता है, ठीक है, और ओपन या फिर ओपन हो जाता है, ठीक है। आपको इतनी बात याद रखनी है कि आइकॉन एक स्मॉल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी फाइल का, किसी प्रोग्राम का, और जब भी हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये रन हो जाता है या फिर ओपन हो जाता है, ठीक है। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। आइकॉन आर यूज्ड विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आइकॉन होते हैं उनका यूज होता है किसलिए, किसके साथ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ, ठीक है, तो GUI जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, GUI, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हम GUI भी बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड एप्पल मैक, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के या फिर एप्पल का जो मैक आता है उसकी ऑप्शन है जिनको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सेकंड पॉइंट में आपको क्या बताया है कि व्हेन यू डबल क्लिक, जब आप डबल क्लिक कर देते हैं, ठीक है, डबल क्लिक मतलब दो बार जब आप क्लिक करते हैं, या फिर ओपन एन आइकॉन द एसोसिएट फाइल, या फिर आइकॉन को ओपन करते हैं एसोसिएट फाइल के लिए, या फिर प्रोग्राम विल बी ओपन, और जो प्रोग्राम होते हैं वो ओपन हो जाते हैं डबल क्लिक करने से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डबल क्लिक ऑन माई कंप्यूटर आइकॉन, यदि आप माई कंप्यूटर आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं तो इट विल ओपन विंडोज एक्सप्लोरर, तो क्या होगा, विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, एंड डबल क्लिक अ डॉक्यूमेंट, और आप किसी डॉक्यूमेंट पे, डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर होता है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे, या फिर किसी फाइल आइकॉन पे डबल क्लिक करेंगे तो इट विल ओपन, तो ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा दैट डॉक्यूमेंट इट एसोसिएटेड प्रोग्राम, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर, फाइल के अंदर कोई प्रोग्राम होंगे वो भी ओपन, उन्हें आप, उनके पास आप पहुंच जाओगे उन तक, फिर आप उन्हें चला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टार्ट बटन एंड टास्क बार, ठीक है, स्टार्ट बटन क्या होती है और टास्क बार क्या होता है, आपको ये बटन दिखाई दे रही ना, ये स्टार्ट बटन है, आप अपने कंप्यूटर में या आपके स्कूल में कंप्यूटर हो उस पर आप देखना इस तरह का बटन बना होगा, इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन, ठीक है। इस बटन को क्या बोला जाता है, इस बटन को स्टार्ट बटन है। द स्टार्ट मेन्यू इज यूज टू ओपन प्रोग्राम और फोल्डर, ठीक है, स्टार्ट मेन्यू का हम यूज करते हैं प्रोग्राम को या फिर फोल्डर को ओपन करने के लिए, ठीक है। सर्च फॉर थिंग्स, हम चीजों को सर्च कर सकते हैं, सर्च मतलब ढूंढना, थिंग कहते हैं चीजों को, ऑन योर कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर में जो भी फाइल्स, फोल्डर्स, पिक्चर्स या कोई सॉन्ग्स, ठीक है, स्टोर होते हैं, सेव होंगे तो उन्हें हम ढूंढ सकते हैं। एंड टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, और अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर सकते हैं, मतलब बंद करना, ठीक है। टास्क बार, ये देखिए आपका टास्क बार होता है, टास्क बार में क्या क्या है, ये स्टार्ट बटन, ठीक है, स्टार्ट बटन टास्क बार में है, और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का बटन है, ये टास्क बार में है, जो भी आपने फोल्डर ओपन किए होंगे ये फोल्डर के बटन दिखाई दे रहे हैं, आपका ये विंडो मीडिया प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, ये आपका गूगल क्रोम का पिक्चर है, ये बर्ड की फाइल्स खुली हुई हैं, ठीक है, ठीके? तो ये जो भी चीजें ऊपर ओपन होती हैं वो आपको टेक्स्ट है ये टास्क बार में दिखाई देती हैं, ठीक है। ये वाला सिंबल किसका दिख रहा है, ये वाला, ये इंटरनेट का सिंबल है, ये साउंड का सिंबल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये टाइमिंग आ रही है, तो इस तरह से ये चीजें इससे दिखाई देती हैं आपको। नाउ टास्क बार इज अ हॉरिजॉन्टल बार, टास्क बार क्या होता है, हॉरिजॉन्टल बार है, ये जो इस तरह से लाइन होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये ऐसी सी लाइन को, खड़ी खड़ी को वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है, थीके? तो टास्क बार कैसा है, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार है, लोकेटेड एट द बॉटम, कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये बिल्कुल बॉटम में कंप्यूटर की स्क्रीन के, ऑफ स्क्रीन, वेयर रनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे प्रोग्राम रन होते हैं, एंड सो व्हेन मिनिमाइज्ड Represented by icon, और जब आप किसी प्रोग्राम को मिनिमाइज कर देते हैं, मिनिमाइज मतलब नीचे कर देते हैं, तो यह आइकॉन फॉर्म में आपको नीचे शो होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर में क्या है, माई कंप्यूटर आइकॉन इज अ
पिक्टोग्राम डिस्प्ले, ठीक है, जो माय कंप्यूटर आइकॉन है उसको, वो एक तरह का पिक्टोग्राम डिस्प्ले कहलाता है ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, इन ऑर्डर टू हेल्प यूजर्स नेविगेट अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में यूजर जा सकता है उसकी हेल्प से, ठीक है। माई कंप्यूटर में जब आप क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। माई कंप्यूटर में क्लिक करते ही आप कहाँ पहुंच जाएंगे, इस वाली विंडो पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको डी ड्राइव दिखेगी, ई ड्राइव दिखेगी, ठीक है, लोकल डिस्क दिखाई देगी, या जो जो आपकी है सारी ये डीवीडी ड्राइव दिखाई देगी, कोई फोल्डर होगा, नाम किसी का पेन ड्राइव खुला हुआ है, ठीक है, ये कुछ फाइल्स हैं, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगी और ये साइड में सारे फोल्डर आते रहेंगे, ठीक है। तो जब आप माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगी विंडो, माई कंप्यूटर विंडो स्क्रीन। ये ऊपर वाली क्या थी, माई कंप्यूटर विंडो की स्क्रीन थी, ठीक है। माई कंप्यूटर आइकॉन दैट इज अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप, माई कंप्यूटर आइकॉन जनरली डेस्कटॉप पर अवेलेबल होती है, ठीक है, इज यूज्ड टू फाइंड आउट रिसोर्स ऑफ योर कंप्यूटर, जिसे आप यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए। माई कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ आइकॉन, माई कंप्यूटर रखता है बहुत सारे आइकॉन्स को, जैसे हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, डिवाइसेस और रिमूवेबल स्टोरेज एंड नेटवर्क लोकेशन, ठीक है। तो माई कंप्यूटर बहुत सारे आइकॉन्स को अपने अंदर कंसिस्ट करके रखता है, अपने अंदर रखता है। और ये क्या है आपका, ये आपका रिसाइकिल बीन है, ठीक है। ये पिक्चर किसका बना हुआ है, ये रिसाइकिल बीन है। रिसाइकिल बीन का यूज क्यों करते हैं, मैंने बताया था आपको, जो भी चीजें हम डिलीट कर देते हैं अपने कंप्यूटर से वो कहाँ चली जाती हैं, रिसाइकिल बीन में चली जाती हैं, ठीक है। अब वापस से अगर रिट्राइव करना चाहते हैं तो रिसाइकिल बीन से आप रिट्राइव भी कर सकते हैं, जब तक कि आप रिसाइकिल बीन से चीजों को डिलीट ना कर दें, ठीक है। तो द रिसाइकिल बीन एक्ट जस्ट लाइक अ डस्टबिन, रिसाइकिल बिन किस तरह से एक्ट करता है, बिल्कुल डस्टबिन की तरह। आपने देखा होगा ना, आपके घर में भी डस्टबिन होगा, डस्टबिन तो सभी के घर में होते हैं, ठीक है। व्हेन एवर अ फाइल इज डिलीटेड ऑटोमेटिकली, अगर कभी गलती से अपने आप कोई फाइल डिलीट हो जाती है, इट गोज टू द रिसाइकिल बिन, तो वो कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में। जब भी कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाए या आप उसे डिलीट कर दें या वो अपने आप डिलीट हो जाए तो कहाँ जाएगी, वो रिसाइकिल बिन में जाएगी, ठीक है। व्हेन एवर अ फाइल इज फर्दर नीडेड, अगर आपको उस फाइल की फिर से जरूरत पड़ती है तो आप क्या करेंगे, इट मे बी रिकवर्ड, तो आप इसे रिकवर्ड कर सकते हैं, रिकवर्ड कर सकते हैं मतलब दोबारा पा सकते हैं, ठीक है, रिसाइकिल बिन में जाके। इट इज डन बाय सिंपली प्रेजेंटिंग द रीस्टोर बटन, आप कैसे पा सकते हैं इसे, आप रिसाइकिल में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे फाइल के ऊपर और रीस्टोर का बटन आएगा, रीस्टोर पे आप क्लिक कर देंगे, आपकी फाइल वापस से कंप्यूटर में रीस्टोर हो जाएगी, ठीक है, इन द रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन से, ठीक है। तो आप इस तरह से रिसाइकिल बिन से वापस से अपनी फाइल को रिकवर रिस्टोर कर सकते हैं, रिकवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, या ड्राइव कर सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, तीनों का एक ही मतलब है। नेक्स्ट है आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जिनसे हम डाटा को इनपुट करते हैं, जो भी काम हम करते हैं कंप्यूटर में उसे डाटा कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप टाइप करते हो तो हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, और फिर हमें डिस्प्ले काम होता है, जो हम काम करते हैं वो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है, तो जो चीज हमें दिखाई दे रही है स्क्रीन पर कंप्यूटर की, वो हमारा कंप्यूटर जो हमारा डेस्कटॉप है वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। तो नाउ फर्स्टली सी द इनपुट डिवाइस, द इनपुट डिवाइस आर यूज फॉर ट्रांसफरिंग यूजर डाटा टू द कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, यूजर डाटा को कंप्यूटर में ट्रांसफर करने का काम करती हैं, कंप्यूटर में पहुंचाने का काम करती हैं, यूजर मतलब काम करने वाले, ठीक है। जैसे कि आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो आप कंप्यूटर के लिए क्या हो जाएंगे, आप कंप्यूटर के लिए एक यूजर हो जाएंगे, तो आप जो भी वर्क करेंगे वो
कहाँ पर जाएगा, कंप्यूटर में जाएगा, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस क्या वर्क कर, क्या काम करती हैं, द इनपुट डिवाइस आर यूज्ड, इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रांसफरिंग, पहुंचाने के लिए यूजर के डाटा को कंप्यूटर में, ठीक है, यूजर के डाटा को कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। सम ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर, यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेस दी गई है, फर्स्ट इज कीबोर्ड, ठीक है। आप ऑलरेडी कीबोर्ड से फैमिलियर होंगे, आप कीबोर्ड के बारे में जरूर जानते होंगे, ठीक है। तो ये आपका कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड में ये आपकी एरो की होती हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल की पैड ही होता है, ये टाइपिंग करने के लिए अल्फाबेट दिए गए हैं, ठीक है। ये आपको कुछ स्पेशल की दी गई हैं, ठीक है। और ये आपकी क्या है, फंक्शन की यहाँ पर दी गई है, जो F1 से F12 तक होती हैं, ये आपकी फंक्शन की कहलाती हैं, ठीक है। नाउ मोर इनपुट डिवाइसेस, आपकी एक ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये क्या है, लाइट पेन, ये लाइट पेन है इनपुट डिवाइस, ये टच स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये लाइट पेन भी क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है, लाइट, ये पेन जैसा दिख रहा है ना, इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं कोई चीज। टच स्क्रीन, ये देखो टच स्क्रीन है, स्क्रीन से टच करके लिख रहे हैं, ये पेन से टच करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं, एंड आउटपुट डिवाइस इज एनी इलेक्ट्रिक, कोई भी क्या हो सकती है, एक इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट हो सकते हैं। आप इन्हें इलेक्ट्रिक डिवाइस भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। कनेक्ट, ये किससे कनेक्ट होते करते हैं, ये कनेक्ट अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। एंड यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा आउट ऑफ द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, साउंड एंड अदर मीडिया, ठीक है। ये आपके डाटा को ट्रांसफर करने का काम करते हैं कंप्यूटर से बाहर या दूसरे मीडिया के थ्रू, जैसे कि आप टेक्स्ट के फॉर्म में जब आप प्रिंट आउट ले लेते हैं, ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्म में आपको मिल जाता है हार्ड कॉपी, इमेजेस फोटो के फॉर्म में आपको मिल जाती है हार्ड कॉपी, ठीक है, और साउंड जो आपको सुनाई देता है आप स्पीकर के जैसे यूज करते हैं, ठीक है, तो इस तरह साउंड का यूज कर सकते हैं। फिर कोई दूसरा मीडिया भी हो सकता है, मीडिया का मतलब यहाँ पे कोई भी दूसरा तरीका, जैसे कि यहाँ पे कुछ आपको इनपुट डिवाइसेस दी गई हैं, मॉनिटर, आप जो भी वर्क करते हैं वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है आपको, वो आपको मॉनिटर के अंदर डिस्प्ले होता है, जो भी आप काम करते हो आप इसी स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है ना मॉनिटर की, ठीक है, इस स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा जो भी आप वर्क करेंगे। फिर स्पीकर, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, जब हम सॉन्ग बजाएंगे तो हमें स्पीकर से ही बाहर आवाज सुनाई देगी ना, जो चीज कंप्यूटर से बाहर हमें बाहर आवाज आ रही है तो वो भी क्या होगी, आउटपुट डिवाइसेस होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें साउंड सुनाई दे रहा है ना कि हम साउंड दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे प्रिंटर, जो भी हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं, जो भी काम हम कंप्यूटर में करते हैं, फिर अगर हमें उसे पेपर पे चाहिए होता है तो हम किसका इस्तेमाल करके निकालेंगे, प्रिंटर का यूज करके, ठीक है, तो प्रिंटर भी क्या हो गया, हमारी आउटपुट डिवाइस होगी। वन मोर थिंग, जो भी चीजें, जो भी वर्क हम कंप्यूटर में करते हैं, जब तक वो कंप्यूटर में रहता है तब तक वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसे पेपर पे ले लेते हैं, प्रिंट ले लेते हैं, तो वो क्या बन जाती है, हार्ड कॉपी बन जाती है, ठीक है। ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। नाउ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग क्या होती है, वर्क ऑन डाटा टू गेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जो भी हम रो डाटा देते हैं कंप्यूटर को और वो फिर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है, वो प्रोसेसिंग करके कराता है, ठीक है। हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, कुछ भी इंटर करते हैं, फिर कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होती है उसकी, और फिर हमें उसका आउटपुट मिल जाता है एक मीनिंगफुल फॉर्म में, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप कंप्यूटर को कुछ भी बताएं, कुछ भी लिखें, कोई ड्राइंग बनाएं, कुछ भी टाइपिंग करें, कुछ भी करें, तो कंप्यूटर आपकी बात को नहीं समझता है, ठीक है। वो कंप्यूटर कब समझेगा, जब वो अपने अंदर आपकी चीजों को 0-1 फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, बाइनरी फॉर्म में, ठीक है, फिर तब वो समझेगा, फिर आपको आपका आउटपुट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो वर्क ऑन डाटा
टू गेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. ये हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. उसी को प्रोसेसिंग कहते हैं. ठीक है. अब इन कंप्यूटर कैलकुलेशन एंड मैनिपुलेशंस इज डन इनसाइड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू. ठीक है. ये प्रोसेसिंग कहाँ पर डन होती है? ये सीपीयू के अंदर ये प्रोसेसिंग डन होती है, कंप्लीट होती है. ठीक है. तो ये जो प्रोसेसिंग कहाँ पर कंप्लीट होती है? सीपीयू के अंदर होती है. ठीक है. फिर इट एक्ट एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. सीपीयू का एक और नाम होता है, सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं. ठीक है. ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है. ठीक है. तो ये आप ध्यान रखना कि कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग किसको बोलते हैं? सीपीयू को बोलते हैं. तो इन कंप्यूटर कैलकुलेशन एंड मैनिपुलेशन इज डन इनसाइड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. जो भी कंप्यूटर की कैलकुलेशन होती है, मैनिपुलेशन होती है, वो कहाँ पर होती है? ये हमारे सीपीयू में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है. और सीपीयू का एक और नाम क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं सीपीयू को. ठीक है. इतनी सी बात आपको याद रखनी है. नाउ द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है, इज बेस्ड ऑन सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन. किस पर बेस होती है? सिंपल से मैथमेटिकल ऑपरेशन पे ये बेस होती है. सीपीयू इज द डिवाइस. सीपीयू भी एक डिवाइस होती है दैट कंट्रोल ऑल ऑपरेशन. जो भी आप वर्क करते हैं, इनको कंट्रोल करती है. द सीपीयू हैज इंटीग्रेटेड एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है? एएलयू होता है. एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. ठीक है. अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ALU कहते हैं. ALU का काम क्या होता है? ये आपके जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं, मैथमेटिकल वर्क है, उसे सॉल्व करने का काम कौन करता है? ALU करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट. ठीक है. दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ALU फॉर ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. ठीक है. जितने भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जो भी मैथमेटिकल और लॉजिकल काम है, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन जिम्मेदार होता है? ये जिम्मेदार होता है आपका ALU. ठीक है. और ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. ठीक है. ये बात आपको ध्यान रखनी है. नाउ सी द फिगर. ये आपको फिगर दिया गया है. ठीक है. ये आपको सीपीयू का फिगर दिया गया है. सीपीयू में क्या क्या होता है बताया गया है. ठीक है. ये सेकेंडरी स्टोरेज है, यहाँ पे है. सबसे पहले आप क्या करेंगे? इनपुट देंगे. ठीक है. यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस होती है, फिर इनपुट देंगे आप, तो ये कहाँ जाएगा? और ये रजिस्टर्स में, रजिस्टर छोटे छोटे, आपने सीपीयू कभी सीपीयू की पिक्चर अंदर से देखी होगी तो आपको पता चलेगा, अगर आप देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं. ठीक है. ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. ठीक है. ALU होता है और एक कंट्रोल यूनिट भी होता है, जो सारे वर्क को कंट्रोल करने का काम करता है. छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं इसके अंदर. ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. सेकेंडरी स्टोरेज है. ठीक है. डाटा यहाँ से स्टोर होता है और यहाँ से रिट्राइव भी होता है. ठीक है. अंदर भी आता है और बाहर भी जाता है. फिर ये सारा काम होने के बाद आपको आउटपुट कहाँ मिल जाता है? फिर आपको आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है ये सारा काम होने के बाद. ठीक है. तो ये जो फिगर दिया हुआ है ना, इसको आपको याद कर लेना है. इसको आप, इस फिगर को आप याद कर लेना. ठीक है. सबसे पहले क्या होता है? इनपुट दिया जाता है. इनपुट जाता है रजिस्टर, यहाँ छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं सीपीयू के अंदर. वहाँ आता है सीपीयू के अंदर क्या क्या होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, रजिस्टर्स हैं और कंट्रोल यूनिट होता है. ठीक है. सेकेंडरी स्टोरी से स्टोरेज डाटा यहाँ पे आता है, फिर डाटा वापस से स्टोर हो जाता है. लास्ट में हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिल जाता है सारी प्रोसेसिंग होने के बाद. ये हमें आउटपुट प्रोवाइड करा देता है. ठीक है. नाउ इन द सीपीयू देयर आर थ्री सेपरेट यूनिट. सीपीयू के तीन सेपरेट यूनिट होते हैं. ठीक है. क्या क्या होते हैं? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. ठीक है. तो तीन सेपरेट यूनिट जो सीपीयू के हैं, वो क्या क्या हैं? आपको ALU है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. रजिस्टर ये मेमोरी यूनिट इसी को बोलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं जिनमें डाटा स्टोर हो जाता है. ठीक है. और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, ये कंट्रोल यूनिट है. ये तीन पार्ट, मुख्य पार्ट होते हैं किसके? सीपीयू के. क्या क्या सीपीयू के मेन पार्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट.
ठीक है। ये तीन जो सीपीयू के मुख्य पार्ट है इनको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। नाउ सी द कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट वाले हम पढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट इज अ कंपोनेंट, कंट्रोल यूनिट क्या है, एक कंपोनेंट है ऑफ अ कंप्यूटर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, ठीक है। सीपीयू का एक कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट किसका कंपोनेंट है, सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, विद डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेसर के ऑप्शन को, जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर भी किसको, सीपीयू को ही बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेसर भी सीपीयू को ही बोला जाता है। तो क्या करता है ये, प्रोसेस करने का काम करता है, ठीक है। तो विच डायरेक्ट्स ऑपरेशंस ऑफ प्रोसेसर, इट कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड को ऑर्डिनेशन, ठीक है। क्या करता है ये, कंट्रोल कर, कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या होता है, कंट्रोल करना, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, डाटा जा रहा है कंप्यूटर में, इसे कम्युनिक को क्या करना है, जो कम्युनिकेशन है उसे कंट्रोल करना और इसे फिर कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। कोऑर्डिनेट करना इसका काम होता है बिटवीन इनपुट और आउटपुट के बीच में, ठीक है। जब भी आप फटाफट इनपुट आप दे रहे हैं, जल्दी जल्दी कोई इनपुट दिया जा रहा है, फटाफट डाटा को टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी आपको आउटपुट दिखाई देना चाहिए। तो इनपुट आउटपुट के बीच में को कंट्रोल करने का और कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक मेन कंपोनेंट है, ठीक है। इट रीड्स एंड ये पढ़ता है, रीड्स करने का काम करता है और इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है एंड डिटरमाइन द सीक्वेंस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, डाटा की प्रोसेसिंग को ये डिटरमाइन करने का काम करता है। जो भी डाटा हो रहा है उसमें कैसे कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, कब डाटा को डिस्प्ले कराना है, कितना कराना है, कैसे कराना है, ये सारा काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द अदर यूनिट, ये दूसरे यूनिट के जो ऑपरेशंस होते हैं, काम होते हैं, उन्हें भी डायरेक्शन करने का काम करता है, डायरेक्ट करने का काम करता है बाय प्रोवाइडिंग टाइमिंग एंड कंट्रोल साइन, और वो कंट्रोल करता है, टाइमिंग प्रोवाइड कराता है, कंट्रोल करने का काम करता है कौन, कंट्रोल यूनिट। ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज आर मैनेज्ड बाय सीपीयू, और जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स मतलब जो कंप्यूटर में अलग से लगे हुए हैं, जैसे प्रिंटर लगा हुआ है, स्कैनर लगा हुआ है, ठीक है। जो कंप्यूटर के दूसरे जितने भी रिसोर्स हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, सीयू करता है, मतलब कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। सबको कंट्रोल करने का काम भी कंट्रोल यूनिट का होता है, जितने दूसरे रिसोर्स हैं सबको कंट्रोल और मैनेज कौन करता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के बीच ये डाटा का फ्लो बना के रखता है, सीपीयू के बीच और डिवाइसेस के बीच, ठीक है, सीपीयू और डिवाइसेस के बीच भी डाटा के फ्लो को बना के रखता है। नेक्स्ट आपका कौन है, मेमोरी यूनिट। अब हम मेमोरी यूनिट के बारे में जानेंगे कि मेमोरी यूनिट क्या क्या होती है, मेमोरी यूनिट का वर्क क्या है। व्हेन अ प्रोग्राम इज फेड इनटू द इनपुट डिवाइस, जब भी कोई प्रोग्राम आप इनपुट डिवाइस से देते हैं, ठीक है, या इंफॉर्मेशन इज किसी इंफॉर्मेशन को आप ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इनटू द मशीन लैंग्वेज, जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज से और स्टोर इन ब्रेन मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी में स्टोर हो जाती है, ठीक है। ओनली ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट, केवल किसके इंस्ट्रक्शन से, कंट्रोल यूनिट के इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, व्हेन अ प्रोग्राम इज फेड इनटू इनपुट डिवाइस, ठीक है, जब भी कोई प्रोग्राम कोई डाटा इनपुट डिवाइस से मिलता है कंप्यूटर को, तो इंफॉर्मेशन इज ट्रांसलेटेड, उसे ट्रांसलेट किया जाता है। क्यों ट्रांसलेट किया जाता है, क्योंकि जो भी कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जीरो और वन फॉर्म को समझता है, ठीक है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी लिखते हैं तो कंप्यूटर को पहले ट्रांसलेट करना होता है, समझना होता है इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज के अंदर एंड स्टोरेड, और फिर ये स्टोर हो जाती है मेन मेमोरी में जो कि स्टोर है, ठीक है। ओनली ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑन कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट के इंस्ट्रक्शन से वर्क होता है। व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू द कंप्यूटर
बाय यूजर, जब भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है यूजर के द्वारा, और बाय यूजर मतलब यूजर के द्वारा, टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, द कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्ट द मेमोरी यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट को इंस्ट्रक्ट करता है, उसको बताता है कि क्या करना है, टू सप्लाई द डाटा एंड इंफॉर्मेशन टू ALU फॉर प्रोसेसिंग। और कंट्रोल यूनिट बताता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को ALU को देना है प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल या लॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है वो ये ALU के पास जाती है, वो प्रोसेस करता है उसका, द प्रोसेस डाटा एंड रिजल्ट आर सेंड बैक बाय ALU, और जितनी प्रोसेस इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस हो जाती है और डाटा रिजल्ट फॉर्म में वापस जो ALU है उससे आ जाता है मेमोरी यूनिट में, और वहां पे आके ये स्टोर हो जाता है, देन इट्स सेपरेटेड लोकेशन फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज के लिए ये डाटा मेमोरी में स्टोर किया कर दिया जाता है बाय इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के ये सारा काम किसके इंस्ट्रक्शन से होता है, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट के इंस्ट्रक्शन से होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट है। दिस यूनिट हैंडल बोथ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। आप इतना याद रखिए सिर्फ कि ये जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है ये दोनों चीजों को हैंडल करता है, किस किस को, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को हैंडल करने का काम कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट, ये काम किसके इंस्ट्रक्शन से करता है, किसकी सलाह से करता है, कंट्रोल यूनिट की, ठीक है। एंड डाटा अवेलेबल फ्रॉम मेन मेमोरी, जो डाटा मेन मेमोरी में अवेलेबल होता है, द ALU ऑपरेट, ALU से ऑपरेट करता है ऑन द डाटा एंड सेंड द प्रोसेस्ड डाटा, प्रोसेस डाटा ये वापस से भेज देता है मेन मेमोरी के बाद प्रोसेस करके डाटा को, और मेन मेमोरी में डाटा को स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, फर्दर यूज के लिए, बाद में इस्तेमाल करने के लिए। दिस यूनिट डज मैथमेटिकल, ये मैथमेटिकल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का काम करते हैं, ALU और रिलेटेड, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक है, नॉट इक्वल टू का यूज भी इसमें किया जाता है, लॉजिकल ऑपरेशन में एंड और आते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम आप सिर्फ इतना इसमें याद रखिए, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो कंट्रोल यूनिट होता है, सॉरी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, ALU है, ये क्या करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है बस, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, फर्स्टली यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है, पर एक बार आप ट्राई कर लीजिए, नहीं तो इसके ये जब आपका यूनिट कंप्लीट हो, ये आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, जब सारे चैप्टर्स के कंप्लीट हो जाएंगे सारे यूनिट, तो लास्ट में आपको सबके क्वेश्चन आंसर मैं एक साथ करा दूंगी, ठीक है, तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, ओरली हम समझा देते हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपको करना है कि फर्स्ट में आपको करना है व्हाट इज फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन, ठीक है, रिसाइकल बिन के फंक्शन को बताना है, ठीक है। रिसाइकल बिन का फंक्शन क्या होता है, जब आप कोई चीज अपने कंप्यूटर से डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ चली जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है, और अगर वापस से आप उसे रिट्राइव करना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं, तो आप रिसाइकल बिन में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और उस पर आपको रिस्टोर का ऑप्शन आएगा, वहाँ क्लिक करके आप वापस से रिट्राइव कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। हिंदी में आपको समझा दूँ, फिर आप ऊपर से देख के लिख लेना इसका आंसर। थर्ड सेकंड में आपको क्या करना है, सेकंड में आपको करना है, सेकंड में राइट द स्टेप टू डिलीट द फाइल ऑन डेस्कटॉप। जब आप डेस्कटॉप से फाइल को डिलीट कर रहे हैं तो उसके स्टेप्स आपको लिख के बताने हैं, आप कैसे कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। तो आप कैसे डिलीट करेंगे डेस्कटॉप से फाइल, आप सबसे सिंपल सा तरीका है कि आपने कोई भी फाइल बनाई है, मान लीजिए डेस्कटॉप पे आपकी फाइल है, तो आप क्या करेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आप एक तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट का ऑप्शन आएगा, आप डिलीट कर दीजिए, सिंपली आप इस पे लेफ्ट क्लिक करिए एक बार और ये सिलेक्ट हो जाएगी और डिलीट बटन आपके कीबोर्ड में होती है ना, प्रेस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड, लिस्ट एनी टू इनपुट और आउटपुट डिवाइस, किसी भी दो इनपुट और आउटपुट डिवाइस का आप
नाम लिख सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस का आप नाम लिख दीजिए कीबोर्ड और माउस, आउटपुट में आप लिख दीजिए मॉनिटर और प्रिंटर, ठीक है। फोर्थ में क्या करना है आपको, व्हाट इज नीड ऑफ आइकॉन और ड्रॉ एनी टू आइकॉन। आइकॉन की जरूरत क्यों होती है, दो आइकॉन को आप ड्रॉ करनी है करना है, ठीक है। आइकॉन की जरूरत क्यों होती है, ताकि हम अपने फाइल्स को या फोल्डर को सेव करने के लिए, और किसी भी दो आइकॉन आप ड्रॉ कर दीजिए, फोल्डर कोई भी ड्रॉ कर दीजिए, कोई बहुत सारे आइकॉन हमने देखी थी ना, कोई ऐसे बना दीजिए, ठीक है, किसी भी पिक्चर दो भी आइकॉन को देख के बना दीजिए। फिफ्थ में आपको क्या, व्हाट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं, तो यहाँ आपको सीपीयू का नाम लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीपीयू का नाम लिख देंगे, ठीक है। सीपीयू क्या होता है, मैंने पढ़ा था ना, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है। नेक्स्ट में आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, माउस है, जा माउस कैसी डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस कैसी डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, आप इसमें इनपुट लिख देंगे, ठीक है। माउस इज इनपुट डिवाइस। फिर सीपीयू, सीपीयू क्या है, सीपीयू कैन डू, क्या करता है सीपीयू, एंड सीपीयू के बारे हमने ऊपर पढ़ा था, वहां से आप लिख दोगे सीपीयू क्या काम करता है, उसका काम क्या होता है। नेक्स्ट इसमें थर्ड में आपको क्या करना है, प्रिंट कैन गिव आउटपुट ऑन प्रिंट, अगर आप प्रिंटर का यूज करते हैं, हम प्रिंटर का यूज क्यों करते हैं, आउटपुट के लिए, है ना। तो प्रिंटर कैन गिव आउटपुट ऑन, किस पर आउटपुट देगा प्रिंटर, पेपर पे देगा ना, ठीक है। तो आउटपुट प्रिंटर किस पे देगा, पेपर पे देगा, आपको पेपर लिख देना है। फोर्थ में आपको क्या करना है, द मोस्ट कॉमन करेक्टर इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस की बहुत ही कॉमन कॉमन सी बातें क्या है, तो आपको बतानी है कि इनपुट डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को इनपुट कर सकते हैं ना, ठीक है। फिफ्थ में आपको क्या करना है, इज द डस्टबिन ऑफ योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर की डस्टबिन क्या है, रिसाइकिल बिन है, तो आप यहाँ रिसाइकिल बिन लिख देना है, ठीक है। नाउ मैच द फॉलोइंग, इनको आपको मैच करना है, मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर कैसी, मॉनिटर को आपको मैच करना है, रिसाइकिल बिन, सीपीयू, टास्क बार, प्रिंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ के देखिए, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो किसको बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को बोलते हैं, तो आप इसको आप कर दीजिए, मैच कर दीजिए। फिर मॉनिटर एप्लीकेशन, ठीक है, मॉनिटर के जो भी एप्लीकेशन होंगे, फिर आउटपुट डिवाइस, ठीक है, प्रिंटिंग डिवाइस और डस्टबिन। डस्टबिन किसको बोलते हैं, आप जो जो पहले याद है आप उन्हें पहले पहले लगाइए, जैसे डस्टबिन आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा, डस्टबिन बोलते हैं रिसाइकिल बिन को, ठीक है। फिर अब बचे हुए आप देखिए, मॉनिटर एप्लीकेशन आउटपुट, ऐसे ही आपको करना है, जो जो आपको पहले आते हैं उनको पहले पहले लगाना है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है, एग्जाम में। प्रिंटिंग डिवाइस, ठीक है, प्रिंटिंग डिवाइस कौन सी होती है, तो आपको पता है प्रिंट हम किससे करते हैं, प्रिंटर से ही तो करेंगे, ठीक है, तो हम प्रिंटिंग डिवाइस को लगा देंगे, ठीक है। फिर आपका क्या बचा, मॉनिटर और टास्क बार, ठीक है। अब आप फिर से पढ़ के देखिए, मॉनिटर के एप्लीकेशन और आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर हमने पढ़ा था कि मॉनिटर कैसी डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होती है, क्योंकि हमें मॉनिटर के ऊपर डाटा डिस्प्ले होता है, दिखाई देता है, ठीक है। और मॉनिटर के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो हमें कहाँ शो होते हैं, जब हम मिनिमाइज कर देते हैं तो टास्क बार पे दिखाई देते हैं ना सारे एप्लीकेशंस, ठीक है, छोटे छोटे आइकॉन के रूप में। तो आप ऐसे इसको मैच कर देंगे, ठीक है, ये वर्क आप कर लेंगे। कोई आपको दिक्कत है, अगर नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट करिए, मैं आपको जो भी है सब कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है, पूरा आपको कंप्लीट करा देंगे। ये आपको ट्राई करने के लिए दिए गए, लास्ट में इस जब ये आपका बुक काफी खत्म हो जाएगी, तो लास्ट में आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं एक साथ दे दूंगी, ठीक है। तो लेकिन एक बार आप खुद से भी ट्राई करिए, क्योंकि सब कुछ बुक में दिया गया है, मैंने आपको समझा भी दिया है, तो आई होप आप कर लेंगे। अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लैब में आपको क्या क्या करना है, कंप्यूटर पे आपको करना है सेव द वर्ड फाइल, वर्ड फाइल को आपको सेव करना है ऑन द डिफरेंट लोकेशन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर में अलग अलग लोकेशन पे आपको अपनी फाइल्स को सेव करना है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल वाले वीडियो में हम पूरा देख लेंगे कैसे कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ यूनिट फिनिश होता है, ठीक है, फोर्थ यूनिट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए। और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।